हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। सो आज आप लोग का एमएनएस 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, तो जिसने भी अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है प्लीज़ इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट्स को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, जो कि एक तरीके से अनएक्सपेक्टेबल है। दैट इज़ अराउंड 116 आपकी इस बार की कट ऑफ गई है। तो एंड कॉन्ग्रेट्स ऑल द स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। लाइफ में ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, सिलेक्शन और रिजेक्शन होता रहता है। तो आप लोग फिर से प्रिपरेशन करिए। अभी जस्ट 2-3 महीने बाद, एक महीने बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड उसके 2-3 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस बार जो भी आपसे गलतियां रही हैं, जो भी आपसे कमियां रही हैं, उसको आप लोग, उस पर आप लोग वर्क करना स्टार्ट करिए और धीरे धीरे एक एक करके हर एक कमी को अपना इम्प्रूव करिए, तो आप लोग इजीली इस एग्ज़ाम को दोबारा से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना रिजल्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो कि कैसे करना है कैसे नहीं, तो आप लोग सिंपली अपना जाइए जॉइन इंडियन आर्मी वाली साइट पे। वहाँ पे जाके आप लोग अपना, आपको जो नंबर और वो मिला था उसी को आप लोग डालिए, उससे आपको आपका रिजल्ट पता चल जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट सबके लिए, और जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे और आपको फिर से दोबारा से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट जिनका सिलेक्शन हो गया है। अच्छे से अब आप लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करिए। मैंने आप लोगों को पहले भी कुछ वीडियोस डाली हुई है इंटरव्यू की कि कैसे प्रिपरेशन करना है, तो आप लोग एक बार उन वीडियोस को देख लीजिए। स्टिल आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग पहले अपना रिजल्ट चेक करिए एंड बताइए कि कैसा आपका रिजल्ट रहा। अगर किसी कैंडिडेट का नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग फिर से हिम्मत करिए, फिर से कोशिश करिए, आगे बढ़िए। लाइफ है, अब कभी अप होता है कभी डाउन होता है, ठीक है। तो जिसका हुआ है उनसे थोड़ी बहुत गाइडेंस लीजिए कि किस तरीके से उन लोगों ने पढ़ाई करी, ठीक है। और बाकी हम हैं यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोग अच्छी से फिर से उठिए और फिर से पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।